नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम और अपने इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूलांक और भाग्यांक की सीरीज में पिछले वीडियो में हमने जाना था अंक एक और पाँच के बारे में, यानी कि आपका मूलांक एक और भाग्यांक पाँच हो तो कौन से नंबर आपके लिए ज़्यादा कंपैटिबल रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मूलांक एक और भाग्यांक छः के बारे में, लेकिन मैं आपको मूलांक एक और भाग्यांक छः के कंपैटिबल नंबरों के बारे में बताऊं, उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आता रहे। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फायदा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉपर जानकारी जो है वो मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं मूलांक एक और भाग्यांक छः के बारे में। मूलांक एक यानी कि सूर्य का अंक यानी कि एनर्जी का अंक। जिन लोगों का मूलांक एक और भाग्यांक छः होता है उन लोगों में बहुत एनर्जी होती है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत एनर्जेटिक तरीके से काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर भाग्यांक छः की बात करूं तो छः जो है वो सुख सुविधाओं का और लग्जरीज का नंबर है। अगर इन लोगों को खुद काम करना पड़ जाए तो शायद वो काम की शुरुआत तो बहुत एनर्जी के साथ कर देंगे परंतु उस काम को जो अंत है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा एंगल देखता हूं तो ऐसे लोग जिनका मूलांक एक और भाग्यांक छः होता है वो दूसरों से अपना काम करवाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो प्यारे मित्रों, इनको कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इनके लिए कंपैटिबल हैं, इनको दिए जा सकते हैं जिनसे इनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले इनके लिए कंपैटिबल नंबर है नंबर 5। मूलांक एक और भाग्यांक छः, जब इनको 5 नंबर दिया जाता है तो इनकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये ना सिर्फ लोगों से काम करवाने में एक्सपर्ट होते हैं बल्कि उनके साथ अपना तालमेल बिठाकर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। लोग खुद से आकर इनकी बातों में इनको काम करने के लिए खुद से कहते हैं, यानी कि लोग इनके साथ काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मूलांक एक और भाग्यांक छः वाले लोग जो हैं नंबर 5 को यूज करना शुरू करते हैं, और जो दूसरा नंबर इनको यूज करना चाहिए वो है नंबर 9। नंबर 9 इनके विल पावर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, यानी कि अभी तक जो हम ये बात कर रहे थे कि ये लोग खुद से काम करने में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, यानी कि एनर्जी से शुरू करते हैं लेकिन आते आते दूसरों की बातों में आते आते खुद काम ना करके दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप नंबर 9 को यूज कराएंगे तो ये हर काम को अपने कर्मों के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा खुद इंप्लीमेंट करेंगे, खुद से काम करेंगे और काम को खुद से सिरे चढ़ाएंगे। यानी कि इनके सारी पेंडेंसीज, जितने भी काम इनके पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सारे के सारे काम ये खुद पूरा करने के लिए एनर्जी लगा देंगे। नंबर 9 इनके पेंडिंग कामों को पूरा करने में इनकी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये दो नंबर, नंबर 5 और नंबर 9, इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, नंबर 1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है ये लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं। तो नंबर 5 इनकी क्रिएटिविटी को और ज्यादा अच्छा बनाता है और 9 इन्हें पॉपुलर करता है, इन्हें फेमस करता है, इनकी क्रिएटिविटी में डिटर्मिनेशन पैदा करता है। तो आप यूज करके देखिए और ये यूज कैसे करने हैं, किस फॉर्म में करने हैं, उसके लिए आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और प्यारे मित्रों, अगर आप भी न्यूमेरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, वास्तु और टैरो सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर जो नंबर यहां पर शो किए जा रहे हैं उस पर आइए, हमसे बात कीजिए और अपनी क्लासेस के लिए बुकिंग करवाइए। और जिंदगी की किसी भी समस्या से परेशान है और आप चाहते हैं हमसे समाधान, तो हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इन नंबर्स पर फोन कीजिए, प्री अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमसे बात कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने का। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं,
तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम।